सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, भारत माँ के माथे पर ये एक चमकीली बिंदी है। भाषाओं की रानी है, महारानी है ये हिंदी है। भाषाओं की महारानी हिंदी में भारतीय पंचांग के महीनों के क्या नाम हैं, आज ये आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले चैत। चैत असल में चैत्रह से बना है। संस्कृत में चैत के महीने का नाम है चैत्रह, ये मार्च अप्रैल में पड़ता है। उसके बाद बैसाख। बैसाख शब्द संस्कृत के वैशाख से बना, ये महीना अप्रैल मई में पड़ता है। उसके बाद जेठ का महीना। जेठ शब्द संस्कृत के ज्येष्ठ शब्द से बना और ये महीना मई और जून में पड़ता है। फिर आषाढ़ का महीना। आषाढ़ शब्द बना संस्कृत के आषाढ़ से और ये महीना जून जुलाई में पड़ता है। फिर है सावन का महीना। सावन शब्द संस्कृत के श्रावण से बना, श्रावण, ये महीना जुलाई अगस्त में पड़ता है। फिर है भादों का महीना। भादों भाद्रपद शब्द से बना, भाद्रपद का महीना अगस्त सितंबर में पड़ता है। उसके बाद क्वार का महीना। क्वार के महीने का असली नाम है आश्विन, ये सितंबर अक्टूबर में पड़ता है। फिर है कार्तिक का महीना, जिसका असली नाम है कार्तिक, ये अक्टूबर नवंबर में पड़ता है। उसके बाद अगहन का महीना। अगहन के महीने का संस्कृत भाषा में नाम है मार्गशीर्ष, ये नवंबर दिसंबर में पड़ता है। फिर है पूस का महीना। पूस शब्द संस्कृत के पौष से बना, ये महीना दिसंबर जनवरी में पड़ता है। फिर है माघ का महीना। माघ शब्द संस्कृत के माघ से बना, माघ, ये जनवरी फरवरी में पड़ता है। और फिर फागुन का महीना। फागुन को कुछ लोग फागुन कहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका सही उच्चारण है फागुन, ये शब्द संस्कृत के फाल्गुनः से बना, फाल्गुनः, ये महीना फरवरी मार्च में पड़ता है। एक नाम होता है फाल्गुनी, जिसको लोग फाल्गुनी कहते हैं, जबकि ये शब्द गलत है। सही शब्द है फाल्गुनी, जो कि इसी महीने के नाम यानी के फाल्गुनः से बना। तो उम्मीद है आपको भारतीय कैलेंडर के महीनों की ये जानकारी पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ जरूर लिखिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी का बटन नहीं दबाया है तो दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आता हूँ लेकर बहुत जल्द कुछ और जानकारी आप सभी के लिए। फिलहाल तो मोइन शमसी को इजाजत दीजिए। समाअत में है शीरीनी, लिखावट में भी जादू है, जिसे हम बोलते हैं वो नहीं कुछ और उर्दू है। सलाम हिंदुस्तान।